एमकेएनटीवर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेशन लेटर इन हिंदी। तो सबसे पहले डोरमेंट अकाउंट होता क्या है। नॉर्मली बैंक्स का एक नियम रहता है कि अगर हम एक साल तक वन ईयर तक अपने अकाउंट में कोई लेन देन ना करें, ट्रांजेक्शन ना करें, तो वो अकाउंट बैंक की तरफ से डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव मार्क कर दिया जाता है। तो इस अकाउंट को हम एक एप्लीकेशन लिखकर इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन लिखना है और साथ में अपने KYC डॉक्यूमेंट जो है वो इसके साथ अटैच करके सबमिट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हिंदी में कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के टॉप लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, बैंक का नाम, शाखा का नाम। तो इस तरह का जो आवेदन होता है ये आपको अपने जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, जिस शाखा में आपका अकाउंट है, आपको वहीं पर इसको सबमिट करना होगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर तारीख लिख देना है। उसके बाद विषय में हम लिखेंगे डोरमेंट खाते को पुनः सक्रिय करने का आवेदन। फिर आगे महोदय मैं आपकी शाखा का खाता धारक हूँ, मेरा खाता संख्या डैश है। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, खाता संख्या जो है उसको पूरा लिख देना है। फिर आगे हम लिखेंगे मैं पिछले डैश महीनों से इस खाते का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो आप पिछले कितने महीनों से अपने खाते का उपयोग नहीं कर रहे हैं, खाते में लेन देन नहीं कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा। अगर बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, महीनों की जगह साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैं पिछले डैश सालों से इस फिनिश सेंटेंस अंतिम लेन देन दिनांक डैश को किया गया था। तो आपने खाते में अंतिम लेन देन कब किया था, अंतिम ट्रांजेक्शन कब किया था, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, ये जो सेंटेंस है इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये आपको नहीं लिखना है। बाकी जो लिखा हुआ है आवेदन में वो आप लिख सकते हैं। फिर आगे हम यहाँ पर लिखेंगे तिथि डैश पर मैंने इस अकाउंट से लेन देन करने की कोशिश की लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद अतिरिक्त विवरण, तो यहाँ पर आपने कौन से डेट में ट्रांजेक्शन करने का प्रयास किया, लेन देन करने का प्रयास किया, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर आप चाहें तो अतिरिक्त विवरण भी दे सकते हैं कि आपको क्या परेशानी हुई, आप किस तरह का ट्रांजेक्शन करने का प्रयास कर रहे थे, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लिखने में कठिनाई हो रही है तो यहाँ तक लिखकर भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे लिखना है बाद में मुझे पता चला कि मेरे खाते को डोरमेंट इनएक्टिव के रूप में चिन्हित किया गया है। मैंने KYC आवश्यकताओं के लिए डैश और डैश की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न की है। तो यहाँ पर आपको दो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। KYC नॉर्मली जब खाता इनएक्टिव हो जाता है डोरमेंट हो जाता है तो होता ही है कि आपको अपना KYC डॉक्यूमेंट भी जमा करना होता है। तो यहाँ पर आपको दो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास दो डॉक्यूमेंट है उनका फोटोकॉपी करा लेना है और उसमें अपने सिग्नेचर कर देने हैं, खुद के सिग्नेचर कर देने हैं और उसको इसके साथ अटैच कर देना है। फिर लास्ट में आप लिखेंगे आपका आभारी, यहाँ पर सिग्नेचर, नाम, पता, खाता क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको लिख देना है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान शब्दों में एक आवेदन पत्र को लिख सकते हैं। अगर आप इसका PDF फाइल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को ओपन करके वहां पर भी MKNTuber सर्च करके हमारा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।